गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्ण आप सभी को। आप सभी का कंपल्सरी इंग्लिश की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। बेटा, हम लोग रिपोर्ट राइटिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, जो आपके एग्जाम में 7 नंबर का क्वेश्चन आता है। और अभी तक हमने स्कूल के फंक्शन से संबंधित रिपोर्ट के बारे में पढ़ा था कि स्कूल से संबंधित जो रिपोर्ट होती है उन्हें किस प्रकार से बनाया जाता है, जिसमें हमने एनुअल फंक्शन की बात की थी, एक हमने इंडिपेंडेंस डे फंक्शन की बात की थी, रिपब्लिक डे फंक्शन के लिए मैंने आपसे कहा था, और एक हमने पढ़ा था उसमें पढ़ा था इंटरनेशनल योगा डे। उसी तरीके से बेटा आपको बनाना होगा टीचर्स डे फंक्शन का, सेम होगा, एनुअल रिपोर्ट वाली बात नहीं आएगी केवल। और टीचर्स और प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूटेड की जगह वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा टीचर्स को गिफ्टेड दिया गया, उपहार दिए गए, गिफ्ट किए गए, वो आपको चेंज करना है, बाकी सेम बनाना है आपको जैसा एनुअल फंक्शन में है वैसे। आज मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ कैंप से संबंधित पढ़ा रहा हूँ, और हम इसमें जो बात कर रहे हैं ब्लड डोनेशन कैंप की बात कर रहे हैं। रिपोर्ट पढ़ेंगे और रिपोर्ट का टॉपिक क्या है बेटा, ब्लड डोनेशन कैंप, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा, ब्लड डोनेशन कैंप। ये टाइटल हो गया। टाइटल लिखने के बाद रिपोर्टर नेम लिखना है, जैसे कोई भी नाम लिख दिया आपने, PQR, कौन है ये, ए रिपोर्टर है, कौन सी न्यूज़पेपर का, ऑफ द पत्रिका, और जो भी आप लिखोगे ऑफ द पत्रिका या भास्कर, ठीक। अब स्थान लिखना है, स्थान और डेट लिखनी है, डेट आज लिख रहे हैं, आज की डेट लिख दें हम 15 अक्टूबर 2020। स्थान हमने लिखा जैसे मांगी, ठीक है बेटा। अब शुरुआत करेंगे कि कौन सा कैंप हेल्ड किया गया, कौन सा कैंप हेल्ड किया गया, ब्लड डोनेशन कैंप। तो कैसे लिखेंगे, ए ब्लड डोनेशन कैंप वाज हेल्ड या ऑर्गेनाइज, ठीक है, या तो हेल्ड लिखना है और या बेटा आपको ऑर्गेनाइज शब्द लिखना है। तो वाज हेल्ड, कहाँ आयोजित किया गया, स्थान लिखना है, तो जैसे आपने लिखा एट, कोई भी जगह आपने लिख दी, जगह जैसे आपने लिखी एट बालाजी हॉस्पिटल, या कोई जगह और भी कोई लिख सकते हो, जरूरी हॉस्पिटल ही लिखोगे आप। आपने जैसे लिखा खंडेलवाल धर्मशाला, एट खंडेलवाल धर्मशाला, ठीक है, बांदीपुर, खंडेलवाल धर्मशाला बांदीपुर में ये कैंप आयोजित किया गया। कितने बजे कैंप आयोजित किया गया, एट टाइम जैसे लिखा आपने सुबह 8 बजे। कौन सी तारीख को आयोजित किया गया, ऑन डेट आप लिखोगे जिस दिन ये आयोजित किया गया था, जैसे आपने लिखा ऑन 13 अक्टूबर 2020। फर्स्ट लाइन, फर्स्ट सेंटेंस जो बनेगा, कैंप का नाम, कौन सा कैंप आयोजित किया गया, कहाँ हेल्ड किया गया, कहाँ हेल्ड किया गया, कितने बजे आयोजित किया गया और कौन सी तारीख को आयोजित किया गया, फर्स्ट लाइन सेंटेंस आपका ये बनेगा। सेकेंड सेंटेंस में आपको बताना है कि किसके द्वारा हेल्ड किया गया था, तो इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाई, मतलब किसके द्वारा, ठीक है, संस्था कौन थी जिसने इसको आयोजित किया, तो जिसे आपने लिखा बाई लायंस क्लब बांदीपुर, ठीक है बेटा, ये आपका सेकंड सेंटेंस बन जाएगा कि उसमें किसके द्वारा उसे आयोजित किया गया था। थर्ड सेंटेंस आपका बनेगा उस कैंप का मुख्य अतिथि कौन था, तो जैसे आपने कहा द MLA was the chief guest बनाना है। चीफ गेस्ट के लिए आगे आप लिख ही देते हो he arrived on time, ठीक है, अराइव्ड हो गए टाइम पर, इसके बाद उनका स्वागत किया गया, तो ही वॉज वेलकम्ड एंड गार्लैंडेड, ये आपका बन गया फर्स्ट सेंटेंस।
अब हमें बताना है कि कार्यक्रम की शुरुआत हुई किस प्रकार से हुई, वो सारी बातें, कौन कौन वहां पर उपस्थित थे। तो क्या लिख दीजिए कि लिख दीप, दीपक कहाँ जलाया, दीपक ही लिट दीपक, प्रदीप लिख दो, बिफोर बिफोर माँ सरस्वती पिक्चर या पिक्चर ऑफ माँ सरस्वती, बिफोर माँ सरस्वती पिक्चर, कोई पिक्चर लिख दो, ठीक है। अग्रसेन भगवान की पिक्चर के सामने, सरस्वती माँ की पिक्चर के सामने, किसी और पिक्चर के सामने दीप प्रज्वलित किया, एंड एंड इनॉगरेट शुरुआत करना, इनॉगरेटेड द कैंप, और कैंप की शुरुआत, ठीक है बेटा। अब हम पैराग्राफ चेंज करेंगे, और पैराग्राफ चेंज करके पहले ये बताएंगे कौन कौन लोग वहां पर उपस्थित थे। तो जैसे आपने लिखा डियर वर, देयर वर मैनी पीपल एंड वॉलेंटियर्स, एंड मैनी वॉलेंटियर्स, बहुत से तो लोग थे वहां पर, एंड मैनी वॉलेंटियर्स थे कैंप में, ये आपकी लाइन बन जाएगी फर्स्ट। देयर वर मैनी पीपल एंड मैनी वॉलेंटियर्स, बहुत से क्या थे, लोग थे और बहुत से वॉलेंटियर्स थे, ठीक है। स्वयं सेवक होते हैं वॉलेंटियर्स, स्वयं सेवा करने वाले एनएसएस के स्टूडेंट, स्काउट के जो गाइड वगैरह होते हैं ना, उनको कहते हैं वॉलंटियर्स, ठीक है। तो देयर आर मेनी पीपल एंड मेनी वॉलंटियर्स, बिल्कुल। इसके अलावा आगे लिख दीजिए कौन डॉक्टर की कौन सी टीम थी, तो लिख लीजिएगा देयर वर टू टीम्स ऑफ डॉक्टर, टू टीम्स ऑफ डॉक्टर्स, कि डॉक्टर्स की कितनी टीमें थी वहां पर, दो टीम थी वहां पे, दो दल थे डॉक्टर्स के, ठीक है। डॉक्टर्स और कहां से थे डॉक्टर्स, आपने कहा जैसे फ्रॉम कौन से हॉस्पिटल से थे, और जैसे आपने कहा तो आपने लिखा फ्रॉम एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर, कोई भी लिख दो, यहाँ का लिख दो लोकल, कि उस कैंप में एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर के जो डॉक्टर्स हैं उनकी दो टीमें थी, ठीक है। अब क्या होगा, और कौन कौन थे वहां पे, कुछ पुलिस कर्मी भी थे, लिखने पड़े व्यवस्था करने के लिए। देयर वर सम पुलिसमैन, कुछ पुलिस वाले लोग भी वहां पर थे। अब क्या होगा इसके बाद, तो हमने बता दिया कि यहाँ पे कौन कौन लोग उपस्थित थे, ये भी हमने दे दिया। अब आपका नेक्स्ट जो पैराग्राफ होगा, सेकंड पैराग्राफ में कौन लोग उपस्थित थे इसके बारे में हम कह रहे हैं। और अब उसके बाद ध्यान रखना कैंप में यही होगा सारी चीजें, सबसे पहले कौन सा कैंप है, कहाँ आयोजित किया गया, कितने बजे आयोजित किया गया, किस तारीख को आयोजित किया, अगले में कौन, किसके द्वारा आयोजित किया गया, चीफ गेस्ट कौन था, स्वागत वगैरह, शुरुआत कार्यक्रम की, दूसरे में कौन कौन लोग उपस्थित थे, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब हमें जो लिखना है इसके बाद की बातें जो लिखनी लिखी उसमें क्या आएगा, हम उसकी बात कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखना है इसके बाद, अब लिखना है कि कितने लोगों ने वहां पे अपना नाम रजिस्ट्रेशन करवाया था, तो आप लिख लीजिएगा जैसे आपने कहा 130 पीपल, 130 130 पीपल लोगों ने रजिस्टर्ड किए गए, ठीक है। 130 लोगों का रजिस्ट्रेशन किया गया था, वर रजिस्टर्ड, ठीक है, रजिस्टर्ड किया गया था। अब सभी का डोनेट, सभी तो डोनेट करेंगे नहीं, पहले इनकी स्वास्थ्य जांच होगी, तो लिखिएगा दे वर चेकअप, उनकी चेकअप किया गया, उनका चेकअप किया गया, जांच की गई। कितने लोग एबल पाए गए थे, तो देखिएगा जैसे आपने लिखा कि 100 या और कम लिख दें 98, कोई जैसे संख्या लिख दी आपने, आपने लिखा कितने लिख दिए 95 लिख दो,
95 people were found able to donate blood. कि उनमें से 95 जो लोग थे उनको ब्लड डोनेट करने के लिए क्या पाया किया गया था, एबल पाया गया था, समर्थ पाया गया था, ठीक है। बाकी से एबल नहीं थे, मतलब कोई बीमारी होगी उन्हें तो वो क्या नहीं कर पाए, अपना ब्लड डोनेट नहीं कर पाए, तो ठीक है। इनकी अब बात करेंगे तो क्या लिख देंगे, दे डोनेटेड दियर ब्लड, दे डोनेटेड दियर ब्लड, उन्होंने ब्लड को डोनेट किया, ठीक है, ब्लड डोनेट किया। अब ब्लड डोनेट किया गया तो उनको क्या दिया गया, दे वर गिवन फ्रूट एंड मिल्क की जो डोनर्स थे उनको क्या दिया गया, दूध और फल दिए गए, ठीक है। और लिख दीजिए, the donors were given certificates, प्रमाण पत्र भी उनको दिए गए, डोनर्स को क्या दिए गए थे, प्रमाण पत्र दिए गए थे, सर्टिफिकेट्स दिए गए, ठीक है। फ्रूट और मिल्क उनको ऑफर किया गया, प्रदान किया गया था। और क्या हो सकता है इसमें, तो इसके अलावा क्या लिख सकते हो आप, ब्लड डोनेट कर दिया, डोनर्स को सर्टिफिकेट्स दिए गए, ठीक है। अब क्या लिख देंगे लास्ट में, कितने बजे तक ये कार्यक्रम चला, कितने बजे समापन हो गया, ठीक है। चीफ गेस्ट ने भी कोई भाषण दिया कि नहीं दिया, ये भी आप बता सकते हो, बोली ठीक है, लिख सकते हैं। तो द चीफ गेस्ट, द चीफ गेस्ट टोल्ड दैट The chief guest told that, क्या बताया chief guest ने, उसकी बात कर रहे हैं, that a drop of blood can save another's life. रक्त की एक बूंद जो है वो दूसरे के जीवन को बचा सकती है, इस बारे में उन्होंने क्या किया, रोल किया। टू डोनेट ब्लड इज ए ग्रेट वर्क, ये थोड़ा सा हमको क्या लिखना है उसके बारे में, क्या है, क्या कहा चीफ गेस्ट ने, वो बारे में लिखना है। लास्ट में कार्यक्रम कितने बजे समापन हुआ इसकी बात करेंगे हम लोग। तो जैसे आपने कहा कि द कैंप एंडेड एट 3 PM, शाम को 3 बजे एंडेड हो गया, ठीक है। जो आयोजक थी उन्होंने सभी को धन्यवाद कहा, तो क्या लिख देंगे, द ऑर्गेनाइजर्स, ORGA ऑर्गेनाइजर्स थैंक डाउन, जो आयोजक थे उन्होंने सभी को क्या कहा, धन्यवाद कहा। इस तरह से आपका बताइए क्या बन जाएगा, ब्लड डोनेशन कैंप पर क्या बन जाएगा, एक रिपोर्ट बन जाएगी। इसी तरह से हम फ्री आई ऑपरेशन कैंप की बात करेंगे, मैं आपको खुद ही बना के बताऊंगा उसको, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि हमें इसको किस तरह से लिखना है, क्या क्या चीजें हमें इसमें लिखनी है, ये चीजें आपको आ जानी चाहिए। तो इस तरह से आपका फाइल बन जाएगा बेटा, ब्लड डोनेशन कैंप रिपोर्ट बन जाएगी। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम और सॉल्व करेंगे क्वेश्चन जो है, अभी वो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और इसे शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।